स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसमें पहले हमने पढ़ा था प्लांट से कि वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। उसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि जो हम प्लांट है उससे भी हमको भोजन मिलता है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्लांट से हमको सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती है, शुगर मिलता है, ऑयल मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कौन से फूड मिलते हैं। तो वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम एनिमल्स से जो फूड मिलता है वो डायरेक्टली भी मिल सकता है और इनडायरेक्टली भी मिल सकता है। सम ऑफ दिस फूड आर डिस्कस बिलो। देखो, पहला है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। जानवरों से हमको मिल्क, दूध मिलता है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, काउ, बफेलो, कैमल। दूध हमको गाय, भैंस, भेड़ और ऊँट से मिलता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है और विटामिन भी होता है। तो दूध पीने से हमको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन मिलते हैं। दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसके लिए जो है ये हमारे शरीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वी कैन ड्रिंक मिल्क एज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो दूध होता है वो डायरेक्ट हम पीते हैं जो कि हमको जानवरों से मिलता है। वी कैन ऑल्सो मेक वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द मिल्क। दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सम ऑफ दिस प्रोडक्ट आर कर्ड। कर्ड मीन्स दही। दूध से हम दही बनाते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था फूड ऑब्टेन फ्रॉम, अब हम कर रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी हमको भोजन मिलता है। उसमें पहला क्या है? मिल्क। सबसे पहले हमको एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क। और मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? कर्ड। कर्ड मीन्स दही। फिर पनीर, इसी तरह से बटर, बटर मिल्क, है ना। तो मिल्क से हम कर्ड मतलब दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, बटर मिल्क, बटर मिल्क मीन्स छाछ, और बटर मक्खन बना सकते हैं, और घी, घी भी हम दूध से ही बनाते हैं। दूध से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। तो ये सब थे हमारा मिल्क के द्वारा कि गाय, जानवरों से हमको, एनिमल्स से हमको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। और मिल्क से हम कर्ड, पनीर, बटर, बटर मिल्क ये सब बना सकते हैं। अब है हम हनी। एनिमल से हमको और क्या मिलता है? हनी। हनी मीन्स शहद। तो हनी इज़ ए स्वीट एंड थिक और विस्कस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम बीहाइव ऑफ हनी बी। जो शहद है वो बहुत ही गाढ़ा मटेरियल होता है जो कि हमको बीहाइव्स, बीहाइव्स मीन्स छत्ता, बीहाइव, बीहाइव मीन्स छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते से हमको, जो कि कौन बनाती है? हनी बीज, मधुमक्खियाँ। हनी बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी छत्ते बनाती है और उससे हमको शहद मिलता है। इट इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही ताकत वाला होता है, न्यूट्रिशियस होता है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दस इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग। हमको एनिमल से क्या मिलता है? एग। अंडे भी मिलते हैं, एनिमल से हमको अंडे मिलते हैं। एग कंटेंट प्रोटीन एंड कैल्शियम। एग के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम होता है। वी कैन ऑब्टेन एग फ्रॉम हैन, डक एंड घी, ठीक है। तो हम एग कहाँ से मिलता है हमको? हैन, डक और उससे। तो दीज एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल। ये पोल्ट्री एनिमल कहलाते हैं। फिर वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल, एग, मिल्क एंड मीट टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। हमको हरी सब्जियाँ, एग, ये सब खाने चाहिए। वॉट वी डू और वॉट वी नॉट डू, डूज एंड डू नॉट डू। तो जो हमको क्या करना चाहिए, हरी सब्जियाँ और अंडे खाने चाहिए। फिर हमको वी शुड वॉश ऑल द फूड आइटम बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग देम। हमको ये सब सब्जियाँ वगैरह पका के खानी चाहिए ताकि जर्म्स हमारे शरीर में एंटर नहीं होवे। वी शुड ईट लेस स्पाइसी फूड, एज टू स्पाइसी फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाला खाना हमको नहीं खाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। अब डोंट
वी शुड नॉट ईट जंक फूड, हमको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, हमको जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट कोल्ड ड्रिंक्स टू मच, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने चाहिए। वी शुड नॉट ईट चॉकलेट एंड कैंडीज इन ह्यूज अमाउंट एज दे कैन डिस्ट्रॉय अवर टीथ, हमको ज़्यादा चॉकलेट कैंडी नहीं खानी चाहिए, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जानवर से हमको मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, एग। अब चौथा प्रोडक्ट जो हमको एनिमल से मिलता है वो है मीट, MEAT मीट। जानवर से हमको क्या मिलता है, मीट, MEAT मीट, वो हमको फोर्थ प्रोडक्ट है जो कि जानवर से मिलता है। मीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल लाइक हैन, गोट, शीप एंड फिश, इट इज़ रिच इन प्रोटीन, यह प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। फिश मीट ऑल्सो कॉल्ड वाइट मीट, जो मछली का मीट है वो वाइट मीट कहलाता है। इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन गोट मिल्क, यह बकरी के मांस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और बकरी का मांस जो होता है वो रेड मिल्क कहलाता है। देखो, जो फिश का मीट है वो वाइट मीट कहलाता है, और जो बकरी का है वो रेड मीट कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि कौन कौन से फूड हमको प्लांट से मिलते हैं और कौन कौन से हमको एनिमल से। तो जो एनिमल से फूड मिलता है उसमें है एग, मीट, हनी और मिल्क। अब हम आगे पढ़ेंगे रीजनल फूड। रीजनल फूड मीन्स अलग अलग जगह पे किस किस तरह का भोजन खाया जाता है। हमारे भारत में अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सा भोजन, कौन कौन सा फूड खाया जाता है, तो हम पढ़ेंगे रीजनल फूड। रीजनल फूड कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खाना खाया जाता है। डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, भारत के अलग अलग राज्यों में, स्टेट मीन्स राज्य, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। दिस फूड आर कॉल्ड रीजनल फूड, और उसी को रीजनल फूड कहते हैं। दे आर ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस स्टेट, ये यहाँ के ट्रेडिशनल फूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इडली एंड डोसा आर द रीजनल फूड ऑफ साउथ इंडिया, तो इडली डोसा जो है वो साउथ इंडिया का मेन फूड है। वाइल ढोकला एंड खांडवी आर सम ऑफ द डिशेज मेड इन गुजरात, जबकि गुजरात में ढोकला बनाया जाता है और खांडवी बनाई जाती है। पीपुल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपातीज मोर एज वीट इज देयर स्टेपल फूड, तो जो नॉर्थ इंडिया है अपना, नॉर्थ रीजन है भारत का, वहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर चपाती ज़्यादा खाई जाती है। हाउएवर इन साउथ इंडिया People eat rice more as it is their staple food. South में चावल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो साउथ इंडियन चीज़ें डोसा इडली ज़्यादा खाते हैं। दाल बाटी चूरमा, घट्टे की खिचड़ी एंड केर सांगरी आर सम ऑफ द रीजनल फूड ऑफ राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है उसमें मुख्य रूप से दाल बाटी चूरमा, घट्टे की खिचड़ी और केर सांगरी की सब्जी मुख्य रूप से खाई जाती है। तो इस तरह से ये जो रीजनल फूड्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस किस जगह पे कौन कौन सा खाना खाया जाता है, और एप्पल आर मेड अप ऑफ 25% एयर, जो एप्पल है उसके अंदर 25% एयर होती है, विच इज़ वाई देन फ्लोट, और इसीलिए वो तैरते हैं। फिर एवोकेडो हैज़ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ ऑल फ्रूट, एवोकेडो जो होता है, एक फ्रूट है एवोकेडो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। केबेज इज 91% वाटर, जो पत्ता गोभी है, केबेज है, उसमें 91% वाटर होता है। चेरीज आर द मेंबर ऑफ द रोज फैमिली, चेरी जो है वो रोज फैमिली का मेंबर है। लेमन कंटेंट मोर शुगर देन स्ट्रॉबेरी, नींबू में ज़्यादा शुगर होती है। हनी इज़ ओनली इडिएबल फूड दैट नेवर गोज बैड, तो हनी जो है वो इडिएबल फूड है जो कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो खाना हम खाते हैं वो हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। और उसके अलावा इस चैप्टर में हमने देखा हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमको पिज़्ज़ा बर्गर, जो ड्राई फ्रूट, जो ऐसे फूड है, जंक फूड है, वो नहीं खाना चाहिए। और उसके अलावा क्या क्या खाना चाहिए, हमको ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए,
इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस, उन सब के बारे में आपको पता है। अब हम कल नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।